बताइए सबसे पहले वेद प्रकाश मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए आज का जो कार्यक्रम होगा। मंदिर हमारा सनातन धर्म मंदिर है, रथवाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हर मंगलवार को 8 से 9 हनुमान चालीसा होती है, जिसमें कम से कम 250-300 संख्या कम से कम होती है। आपने आज कार्यक्रम देखा होगा, आपको कैसा लगा? आप ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और जो आपका मंदिर है किस लोकेशन पर सर, किस जगह पे? हैं जी, किस लोकेशन पर मंदिर आपका बना? ये केपी ब्लॉक में हमारा मंदिर है, सीपी और केपी के डिवाइडिंग रोड पे है, और बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और बहुत आस्था के साथ या मान्यता के साथ पूजा होती है, और हर धार्मिक कार्यक्रमों में ये मंदिर सहयोग करता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनोद सिंगल है। ये हमारा रथवाले मंदिर के नाम से सब जानते हैं, श्री रामकृष्ण मंदिर रथवाला, उसकी मेरे को सेवा मिली हुई है प्रधान के नाम से। और इसमें हनुमान चालीसा का पाठ विश्व हिंदू परिषद की कॉल पे जो 1 साल पहले हुई थी, हम तब से कर रहे हैं। पहले ही दिन जो है हमारे यहाँ 70 की गैदरिंग थी, और उसके बाद हर मंगलवार को 300 की गैदरिंग मिनिमम रहती है, और भगत इतना आनंद लेते हैं कि नाचते हैं, झूमते हैं। और ये देख के हैरानी होगी कि 8 बजे का टाइम है, तो 8:02 पे यहाँ पर 80-90% लोग आ जाते हैं। यह आस्था का केंद्र बन गया है, दूर दूर से फ़ोन आते हैं कि आपके यहाँ क्या है कि जो इतने भगत आ रहे हैं, क्योंकि और मंदिरों में थोड़े कम आ रहे हैं। आपका नाम बताइए। परवीन नाम है जी मेरा। तो आज का जो हुआ मतलब इतनी क्या? हाँ, ये हम RSS से हैं जी। तो ये कार्यक्रम हमें करते हुए 1 साल, अभी हमने 1 वर्ष कंप्लीट करा है। इसमें 1 वर्ष पे हमारी संख्या 1000 से 1100 की संख्या थी हमारी। बहुत बड़ा कार्यक्रम करा था हमने, पीछे भी 2 हफ्ते पहले कार्यक्रम हुआ था। वार्षिक उत्सव था जी। हाँ, मतलब 1100 से 1200 की गैदरिंग थी उसमें कम से कम। अभी जो हमने वार्षिक उत्सव किया था वो हमारे 51 हनुमान चालीसा पूरी हो गई थी, उसके उपलक्ष्य में किया था। और यहाँ पर उसके अंदर धार्मिक नेताओं के साथ राजनेता भी आए, और जो है बहुत से जो है अखबार वाले भी आए। कई अखबारों में उन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई ये जो है मंदिर आस्था का केंद्र बन गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं इनके प्रेरणा से आना शुरू किया है, और मेरे को बड़ा स्वाद आता है। ऐसा आनंद मुझे इस ज़िंदगी में सारा पूरा हफ्ता नहीं था जितना इस आनंद मंगलवार को आने के बाद। बड़े प्यार से नींद आती है मुझे। मेरा नाम कांति प्रकाश है। ये रथवाले मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का जो पाठ है 1 साल से ऊपर से चल रहा है। दिन पर दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। लोग अपने आप खींचे हुए श्रद्धा भाव से इस मंदिर में आ रहे हैं। मतलब आज के कार्यक्रम में महिलाओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने भाग लिया, तो कोई आस्था इस मंदिर में सर? महिलाएं बल्कि ज़्यादा होती हैं, महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं। ये सब कुछ हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप स्वयं यहाँ आए हुए हैं, आपने खुद यहाँ देखा होगा। सब लोग यहाँ बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। रथवाले मंदिर का प्रचार या इसकी प्रसिद्धि या इसकी मशहूरी बड़े दूर दूर तक हो चुकी है, और हर मंगलवार दिन पर दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। Thank you.